أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صدق الله العظيم. क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुसख़र कर दिया है जो कुछ के आसमानों में है और जो कुछ के जमीन में है, यानी ये कि आसमान के अंदर सूरज है, चांद है, ये सब तुम्हारी जरूरतें बहम पहुंचाने में लगे हुए हैं। सूरज की तमाजत है जिससे तुम्हारी फसलें पकती हैं, इसी से हवाओं का निज़ाम चल रहा है, बारिशों का बरसना, ये सारा मालूम होता है कि तुम्हारे लिए ये सब बिस्तर बिछाया है अल्लाह ने और सारी तुम्हारी जरूरतें पूरी की हैं। वासबग अलैकुम नेअमहू, और उसने तुम पर अपनी सारी नेमतें मुकम्मल कर दी हैं, पूरी कर दी हैं। जाहिरतन व बातिनतन, ये नेमतें जाहिरी भी हैं बातनी भी हैं, जो बाहर से नजर आती हैं, दिखती हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी नेमतें हुई जिनका हमें एहसास ही नहीं है, हमारे वजूद के अंदर क्या कुछ अल्लाह ताला ने वदियत किया हुआ है उसका हमें पूरी तरह एहसास भी नहीं। वमिन अन्नास मन युजादिल फिल्लाह बिगैर इल्म, ये आयत आ चुकी है सूरह हज में। लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो झगड़ते हैं अल्लाह के मामले में या अल्लाह के बारे में या अल्लाह की अहकाम के बारे में, अल्लाह की आयात के बारे में, बगैर इसके के बगैर इल्म के उनके पास कोई इल्म हो, वला हुदन, न कोई रहनुमाई और हिदायत है, वला किताब मुनीर, न कोई रोशन किताब है। वैदा कील लहुम तबिउ मा अज़ल्लाहु क़ालू बल नतबिउ मा वजदना अलैहि आबाना, और जब उनसे कहा जाता है कि पैरवी करो उसकी जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है, कुरान उतारा है उसकी पैरवी करो, क़ालू वो कहते हैं बल नतबिउ मा वजदना अलैहि आबाना, बल्कि हम तो पैरवी करेंगे उसकी के जिसको पर हमने पाया है अपने आबाओ अजदाद को। और आजकल खास तौर पर यह लोक वर्षा और हमारी पुरानी रिवायात, कौमी रिवायात, और हमारी जो है हर इलाके का एक कल्चर है, उस कल्चर को जिंदा किया जाए, करोड़ हर रुपया चीजों में सर्च किया जाता है। अवलौकान शैतान यदूहू मिला आजाब सईद, खास शैतान इनको पुकार रहा और बुला रहा हो, ये जो बातें बना रहे हैं, दर हकीकत ये शैतान की दावत और उसकी तबलीग है दर हकीकत जिसको इन्होंने कबूल किया है। वो यदूहू मिला आजाब सईद, और वो इन्हें बुला रहा है उस जहन्नम के अजाब की तरफ। वमन युस्लिम वजहु इलल्लाह वहुवा मुहसिन, और जिस शख्स ने अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दिया, ताबे फरमान कर दिया अपने चेहरे को इलल्लाह अल्लाह की जानी, वहुवा मुहसिन, और वो एहसान की रविश इख्तियार करे, फकद इस्तमसक बिल्उरवतिल वुस्का, तो उसने तो मजबूत थाम लिया है मजबूत कुंडे को, उसका हाथ पड़ गया है। यह सूरह बकरा में भी ये अल्फाज आए थे आयत में कुर्सी के फौरन बाद। فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا انجام آخر کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی تک اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور اے نبی جو کفر کر رہا ہے تو آپ اس کے کفر اور کفر کے لیے جو وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس سے آپ پریشان نہ ہو، دلگیر نہ ہو۔ لینا مرجعو، میری طرف ان سب کو لوٹنا ہے، فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اب انہیں اچھی طرح بتا دیں گے، جتلا دیں گے جو کچھ کہ انہوں نے کیا تھا۔ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً اللہ تعالیٰ تو جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا، ہم انہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ساز و سامان دے رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ مزے لے لیں، مزے لوٹ لیں۔ ثم نفترهم الى عذاب الغلیظ، پھر ہم انہیں کشاں کشاں لے آئیں گے، کھینچ کر پکڑ کر لے آئیں گے اس عذاب کی طرف جو بہت گاڑا ہے۔ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، اور جب آپ ان سے اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ قل الحمد للہ، کہیے الحمد للہ، ساری حمد بھی پھر اسی کی ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔
لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے, اللہ ہی کا ہے, اللہ کی ملکیت ہے. یہ لام تملیک ہے, اللہ کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو بھی کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. ان اللہ هو الغنی الحمید, یقیناً وہ غنی ہے, اسے کوئی احتیاج نہیں, اور حمید ہے, بڑی خوبیوں والا ہے, اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ, اور اگر جتنے بھی زمین میں درخت ہیں وہ قلم بن جائیں, والبحر, اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے, جیسے میں یہ مضمون سورہ کہف میں بھی آ چکا ہے, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی ولنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا, اگر پورا سمندر جو ہے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو وہ سیاہی سمندر ختم ہو جائے گا, لیکن یہ کہ میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے, چاہے اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے. وہی مضمون یہاں بھی آ رہا ہے, اور یہ بات نوٹ کی ہے, میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتائی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ملتے ہیں. ولو, اب وہاں پر صرف سیاہی کا تذکرہ تھا, یہاں سیاہی کے ساتھ قلم. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام, اگر جتنے بھی درخت زمین میں ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں, والبحر, اور سیاہی جو ہے یہاں پہ اب محضوب سمجھیے مداد, اور بحر جو ہے سمندر جو ہے وہ سیاہی کی شکل اختیار کر لے, یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر, اور اس سیاہی کو پھر مزید پھیلائے اور بڑھائے, سات سمندر اور اس کے اندر جو ہے ڈال دیے جائیں, ما نفذت کلمات اللہ, اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے. اور یہ محض کر چکا ہوں, اس سے مراد کیا ہے کہ ہر شے جو اس کائنات میں ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کا ظہور ہے, تو گویا کہ یہ تمام مخلوقات جو ہے کلمات اللہ ہیں. اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ احساس کرنا ممکن ہی نہیں, اور آج کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے. ابھی تک بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپس ایجاد کرنے کے باوجود ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئر تک تو ہم نے دیکھ لیا ہے, لیکن کائنات کا سرا ابھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ یہ شروع کہاں ہوتی ہے, ختم کہاں ہوتی ہے. تو اس سے اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا, اس کی مخلوقات کتنی ہیں. تو وہ جتنے بھی کلمات کل ہیں, اگر ان کو لکھنے کے لیے تمام جو ہے زمین کے درخت وہ قلم بن جائیں, اور تمام سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں, اور سات سمندر اور بھی اس میں ایڈ کر دیے جائیں, تب بھی یہ کہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ان اللہ عزیز الحکیم, یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے, حکمت والا. اب ادھر تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وسعت اور عظمت کا تذکرہ ہو گیا, اب اس کا جو اس کے انتظام کا معاملہ, اس کی تدبیر جو ہے, اس میں کس قدر یسر ہے, کتنی آسانی ہے, کتنی سہولت ہے اس کے لیے. یعنی اس کائنات کو جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں بھی آیا تھا, وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, یہ آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس پر کوئی بھاری نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, اس کو جو ہے اس کے تھامنے میں, اس کے چلانے میں کوئی اس کے لیے یہ کام بوجھل نہیں ہے, وزنی نہیں ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, تو اسی کو یہاں فرمایا, مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ, تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ پیدا کر لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی جیسے ایک نفس کا پیدا کر دینا, اللہ کے لیے یہ اتنا یسیر ہے. ان اللہ سمیع بصیر, یقیناً اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور بصیر ہے. تو گویا کہ ایک ہے اللہ کی تخلیق کی وسعت و عظمت, وہ تو کلمات الہی, اور ایک ہے اللہ تعالیٰ پر یہ کتنا ہلکا ہے, احول والے, یہ اس کے لیے بہت آسان ہے, یسر اور سہولت اللہ تعالیٰ اس کے انتظام کو, اور اس کو جو لے کر چل رہا ہے اس پر بھاری نہیں. علم کرا ان اللہ یولج اللیل فی النہار, کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو پرو لاتا ہے دن میں, ویولج النہار فی اللیل, اور دن کو پرو لاتا ہے رات میں. اب یہ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک ڈوری ہے, اور اس ڈوری کے اندر اگر آپ نے دانے ڈالے ہوئے تسبیح میں, ایک سیاہ ہے ایک سفید ہے, ایک سیاہ ایک سفید ہے, سیاہ کے بعد سفید, سفید کے بعد سیاہ, یہ تو آتا چلا جائے گا. ایک یہ ہے کہ کبھی دن بڑھتا ہے اور رات گھٹتی ہے, گویا کہ دن جو ہے رات میں داخل ہو رہا ہے, کبھی رات بڑھنے لگتی ہے دن گھٹنے لگتا ہے, گویا کہ دن جو ہے وہ رات کو انکروچ کر رہا ہے, رات کے حصے کو گویا کہ اس نے قبضے میں کر لے لیا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فروغ دیتا ہے رات کو دن میں, دن کو رات میں. وسخر الشمس والقمر, اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو, کل یجری الی اجل مسمی, یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے. وان اللہ بما تعملون خبیر, اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ کہ تم کر رہے ہیں اس سے باخبر ہے. ذالک بان اللہ هو الحق, یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے. وان ما يدعون من دونه الباطل, اور یہ کہ جس کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا وہ سب باطل ہیں, ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں. باطل اس کو کہتے ہیں جو نظر تو آئے ہو نہ, کوئی حقیقت اس کی نہ ہو, جیسے سراب پانی نظر آتا ہے لیکن پانی ہے نہیں.
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا اور عظمت والا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں یا دریا میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر. ظاہر بات ہے ٹرانسپورٹ جو ہوتی تھی پہلے بہت بڑی وہ سمندروں میں کشتیوں سے دریاؤں میں بھی. لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی آیات میں سے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور یقیناً اس میں آیات ہیں لیکن کس کے لیے؟ ان سب لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں شکر کرنے والے. صبار یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے فعال کے وزن پر بہت صبر کرنے والا. شکور فعول کے وزن پر ہے بہت زیادہ شکر کرنے والا. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ اور جب یہ کبھی سمندر میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک موج چڑھتی ہے اور ڈھانپ لیتی ہے انہیں جیسے کہ بادل ہو ایسی موج آ رہی ہے کہ گویا کہ وہ تمہارے اوپر سے گزر جائے گی. دعوا اللہ مخلصین له الدین تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. فلما نجاهم من البر اور جب اللہ انہیں نجات دے کر لے آتا ہے خشکی پر فمنهم مقتصد تو ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو بیچ کی چال پر چلتے ہیں یعنی یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہیں وہ پھر شرک کی رائے اختیار کر لیتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو قول کے جھوٹے ہیں اور ناشکر ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے. لا یجزی والد عن ولده جس دن کوئی والد اپنے بیٹے سے کسی شے کو دور نہیں کر سکے گا بچا نہیں سکے گا کسی بھی چیز سے. ولا مولود هو جاز عن والده شیئا اور نہ ہی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے کوئی شے دور کر سکے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نہ باپ بیٹے کے نہ بیٹا باپ کے تو باقی سارے رشتے جو ہیں وہ تو اس کے بعد ساتھ ہیں. ان نواد اللہ حق یہاں وہ آیت بھی یاد آ گئی ہوگی آپ کو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے شدنی ہے اٹل ہے ہو کر رہے گا قیامت آ کر رہے گی جزا و سزا ہو کر رہے گی. فلا تغرنکم الحیات الدنیا تو دیکھو تمہیں نہ دھوکے میں ڈال دے یہ دنیا کی زندگی. تم اسی کے اوپر ریت جاؤ اسی میں مگن ہو جاؤ اسی میں گم ہو جاؤ تو گویا کہ یہ تمہارے لیے پھر دھوکے کی تٹی بن گئی کہ اصل زندگی سے تمہیں جو ہے ذہنن جو ہے اس نے غافل کر دیا. ولا یغرنکم باللہ الغرور اور دیکھنا وہ دھوکے باز تمہیں اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کے حوالے سے دھوکہ نہ دے. یہ شیطان آ کر یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کو بڑا غفار ہے تم نے کیا کیا کچھ چھوٹے سے گناہ تھوڑے سے کیے اللہ کا اللہ کی مغفرت تو بہت وسیع ہے خامخواہ کاہے کو گھبراتے ہو کاہے کو توبہ کرتے ہو. تو یہ جو ہے اللہ کی رحیمی اللہ کی شان غفاری کا حوالے سے دھوکے میں دینا انسان کو. وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی. ساعہ اور قیامہ اس کے فرق کو ذہن میں رکھیے. گھڑی وہ معین گھڑی جبکہ زلزلہ ہوگا اور یہ اجرام سماویہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور پہاڑ جو ہیں روئی کے گالوں یہ ساعہ ہے جس میں کہ ہلاکت ہوگی دنیا کی آخری. اور پھر باسے بادل موت کے بعد جو دن آنا ہے وہ قیامہ ہے. قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو. اس دن کھڑے ہوں گے لوگ اور حاضر ہوں گے اپنے رب کے حضور میں. تو عام طور پر ہم قیامت کا لفظ جب بولتے ہیں تو ساعت کی جگہ پر بولتے ہیں. قرآن کی جو پرٹیکولر اپنی ٹرمینالوجی ہے اس میں یہ ساعہ ہے وہ گھڑی کہ جس میں ہلچل ہوگی اور یہ جو بھی کچھ ہونا ہے جس کا کہ نقشہ کھینچا گیا القارعہ والقارعہ وما ادراک ما القارعہ یہ ہے الساعہ. لیکن پھر جب باس بادل موت کے بعد جب کھڑے ہونا ہے قبروں سے نکل کر اللہ کے حضور میں تو یہ ہوگا قیامہ کھڑے ہونے کا دن. ان اللہ عندہ علم الساعہ وہ ساعت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وہی بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ اور کوئی جان نہیں جانتی ماذا تَكْسِبُ غَدًا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ اور کوئی جان نہیں جانتی بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی. ایک شخص ہے اپنے ملک سے صرف چند دن کے لیے کہیں باہر گیا وہیں انتقال ہو گیا اسے کبھی گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا. سال ہر سال سے کہیں مقیم ہے وہاں موت نہیں آئی اور کہیں گیا ہے اور وہاں موت آ گئی تو کوئی نہیں جانتا کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی. ان اللہ علیم الخبیر
یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے. یہ جو پانچ چیزیں یہاں گنوائی گئی ہیں اس میں آج کا بڑا اشکال ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے رحم میں جو ہے ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے. اس کے دو اعتبار سے اس کو سمجھ لیجئے. اس آیت میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے. پہلی چیز میں حصر کا اسلوب ہے کہ یہ چیز صرف اللہ کو معلوم ہے, اگرچہ یہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, پھر بھی چونکہ حصر کا اسلوب ہے, ان اللہ عندہ علم الساعۃ, یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم, ساعت کا علم. اس میں بھی گویا کہ نفی ہو گئی کہ کوئی اور نہیں جانتا. دو آخری چیزوں میں بھی آئے نفی ہے, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا, اس میں بھی کیٹیگوریکل نفی ہے اس کی. وما تدری نفس بأی أرض تموت, یہ بھی پھر کیٹیگوریکل نفی ہے کہ نہیں کوئی جانتا, کوئی جان نہیں جانتی کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی. لیکن دو چیزیں جو ہے کیٹیگوریکل ڈینائل نہیں ہے. وہ ينزل الغيث, اللہ بارش برساتا ہے, یہ کہاں لکھا, نہ یہاں اس حصر کا اسلوب ہے, نہ یہ لکھا ہے کہ یہ کام جو ہے صرف اللہ کرتا ہے. اسی طرح یعلم ما فی الارحام, اللہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے, ہم یہ جو نہیں لکھا بھی کوئی اور نہیں جانتا. اس اعتبار سے قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کے اوپر تو اعتراض وارد ہو ہی نہیں سکتا. البتہ اعتراض اگر کچھ وارد ہوتا تو ایک حدیث پر ہوتا ہے. حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت جبرائیل نے جب پوچھا تھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے, تو اس میں سے ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ, یہ قیامت کا علم جو ہے یہ تو ان پانچ چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور وہاں حضور نے یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں. اس کا جو ہے جواب وہ یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے, اس کا صرف ایک پہلو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ بیٹا یا بیٹی ہے, باقی جو کچھ ہے اس کے نہ معلوم کتنے پہلو ہیں, کتنا ذہین ہے, کس قدر فطین ہے, اس کے اندر کیا اوصاف ہے, اس میں کیا صلاحیتیں ہیں, شقی ہے یا سعید ہے, نیکوکار ہوگا بدکار ہوگا, کیا پتا ہے, یا ہوگا یا ہوگی. تو اس سے یہ کہ اس کی جو حدیث کا بھی معاملہ ہے اس کی بھی جو ہے اس کی توجہ موجود ہے, اس پہ کسی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ علیم الخبیر, یقین اللہ تعالی علیم اور خبیر ہے. سورۃ السجدہ, اب یہ سورہ مبارکہ آئی ہے, یہ تین رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس میں بڑا ردم بہت تیز ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حضور کی بہت محبوب صورتوں میں سے ایک صورت ہے, اس لیے کہ آپ کا یہ رواج, آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جمعے کے روز صبح فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو جن صورتوں کے ساتھ حضور کو خاص طور پر کوئی تعلق خاطر تھا اضافی طور پر, تو اس کا ہمیں اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ نمازوں میں آپ جو زیادہ پڑھتے تھے تو فجر کی نماز جمعے کے دن, اس میں بالعموم آپ کا یہ معمول تھا کہ یہ سورہ سجدہ جو ہے پوری تین رکوع پورے جو ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے, اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الدہر, یا پھر یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پہلی سورت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون, وہ دو دو رکوعوں کی صورتیں ہیں, لیکن یہ جو ہے یہ سورت خاصی طویل ہے. الف لام میم, تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین, اس کتاب کا اتارا جانا ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں, کوئی فریب نہیں, رب العالمین کی طرف سے ہے. ہم یقول الافتراء, کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد نے خود گھڑ لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, خود لکھ لی ہے؟ بل هو الحق من ربک, نہیں, یہ الحق ہے تیرے رب کی طرف سے. لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر, تاکہ خبردار کر دیں آپ اے نبی اس قوم کو کہ جس کے پاس کوئی نبی پہلے نہیں آیا, کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا. حضرت اسماعیل سے لے کر اور حضرت محمد تک بڑے طویل عرصے تک کوئی نبی اس نسل میں نہیں آیا, اس قوم میں نہیں آیا. لعلہم یہتدون, آپ خبردار کریں انہیں شاید تاکہ وہ ہدایت پائیں, شاید کہ وہ ہدایت پائیں, تاکہ وہ ہدایت پائیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام, اللہ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے چھ دنوں میں. ثم استوی علی العرش, پھر وہ متمکن ہو گیا تخت حکومت پر, تخت پر. ما لکم من دونہ من ولی, نہیں ہے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں, من ولی ولا شفیع, یہاں دون کا لفظ ہے مقابلے میں, اس کے خلاف, یعنی جب کہ وہ پکڑے تمہیں تمہیں سزا دینا چاہے تو اس کے اس فیصلے کے کوئی آڑے نہیں آ سکتا, نہ کوئی ولی اور نہ کوئی شفیع. افلا تتذکرون, تو کیا تم تذکر نہیں کرتے, سمجھتے نہیں ہو, عقل سے کام نہیں لیتے. یدبر الامر من السماء الى الارض, وہ تدبیر کرتا ہے امر کی آسمان سے زمین کی طرف. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اور اس میں
एक तो है 1000 साल के का एक नक्शा है जो अल्लाह बनाता है, प्लानिंग है, जो अल्लाह का एक दिन है। लेकिन यह कि हमारे हिसाब से जो एक साल है उसके लिए भी जो लैलतुल कद्र आती है वो दर हकीकत वो उस साल का बजट सेशन है कि उस 100,000 साल में से इस साल के अंदर क्या क्या होना है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला का जो आलमी हुकूमत का निजाम है उसमें इस तरीके की प्लानिंग है। युदब्बिरुल अमरा मिन समाए इलल अर्ज़, वो तदबीर करता है अपने अमर की आसमान से जमीन की तरफ, फरिश्ते उतरते हैं अहकाम को लेकर, जब ये काम यहां पर होने हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन होनी है। सुम्मा यारजु इलैहि, फिर वो चढ़ता है उसकी जानिब, जब ये काम हो गए तो रिपोर्टें जो है वो अल्लाह ताला की जनाब में फिर पेश होने के लिए जा रही है। फी यौमिन, और ये सारा मामला है एक दिन में, मिकदारहु अल्फ सनति मिम्मा तउदून, जिसकी मिकदार है तुम्हारे हिसाब से जो तुम गिनती करते हो तो 1000 बरस। अब ये सूरह हज में भी आयत आ चुकी है, इन्ना यौमन इंद रब्बिका काल्फ सनति मिम्मा तउदून, तेरे रब का एक दिन जो है वो तुम्हारे हिसाब के 1000 साल के बराबर है। और यहां पर भी ये आ गया कि ये तदबीर अमर के सिलसिले में इस कायनात में जो भी अल्लाह ताला का फैसला होता है तो वो हर 1000 साल के लिए उसका एक नक्शा बन जाता है। ज़ालिका आलिमुल ग़ैब वश्शहादत, वो है वो हस्ती है जानने वाली हर छुपी चीज की और हर सामने की चीज की। अल अज़ीज, जो जबरदस्त है, अर रहीम, रहम फरमाने वाली है। अल्लज़ी अहसना कुल्ला शैइन, जिसने के जो शय बनाई, कुल्ला शैइन खलक़हू, जो शय भी उसने बनाई बहुत खूबसूरत बनाई, बहुत उमदा बनाई, उसकी खिलकत में कोई नक्श तुम नहीं दिखा सकते, कहीं को कोताही नहीं दिखा सकते। वह बदा खलकल इंसान मिन तीन, और इंसान की तखलीक का आगाज किया गारे से। ये तखलीक का आगाज तो गारे से हुआ, या तो ये कि वो आदम की तखलीक जो है वो जो उस मराहिल से होकर गुजरी है तो हम कई दफा देख चुके हैं, या जैसे कि मैंने सूरह मोमिनून के शुरू में अर्ज किया कि खुद हर इंसान की भी तखलीक हो रही है, उसका भी असर तो जो है कि बाप के जिस्म में जो लुत्फा बन रहा है तो वो भी तो जाहिर बात है कि जमीनी जो गजा है और वो मिट्टी ही की कशीद जो है वही चीजें हैं कि जिसके जरिए से वो उसका लुत्फा बनता है। लेकिन उसके बाद सुम्मा जाला नस्लहू मिन सुलालतिन मिन माइन महीन, फिर ये जो नस्ल चली है आदम की अलैहिस्सलाम, अब ये चली है उस बेकदर पानी की के निचड़ा हुआ पानी जो है, सुलालत मिन माइन महीन, इससे अब ये नस्ल आगे चल रही है। पहला मरहला आदम का मिट्टी से आदम तक, अब आदम से आगे जो तनासुल का मामला चल रहा है नौ इंसानी का, रिप्रोडक्शन जिस निजाम से हो रही है उसका ये नस्ल जो है उसमें ये जरिया बन रहा है। सुम्मा सवा हो व नफा का फी है मिल रू है ही, अब यह सुम्मा जो आ रहा है गोया कि नस्ल इंसानी में से जो भी कोई एक बच्चा जो है उसको अल्लाह ताला उसकी नोक पलक संवार देता है, व नफा का फी है मिल रू है ही, और उसमें फिर फूकता है अपनी रूह में से। यह मैं अर्ज कर चुका हूं कि यह हदीस नबवी से जो बड़ी पुख्ता हदीस है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, उसमें यह है कि 40 दिन नुत्फे की शक्ल है, 40 दिन बुज़ग़ा है, बल्कि दरमियान में अलक़ा है, और फिर 120 दिन के बाद अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजता है जो उसमें रूह फूंकता है। व नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूहिही व जअल लकुम अस्समअ वल अब्सार वल अफ़्सिदा, और उसने तो मेरे लिए बना दिए हैं कान भी और आंखें भी, और तुम्हें अक्ल भी दी है या दिल भी, जो भी चाहे कह लें, इसलिए कि दिल की भी एक अक्ल है और एक अक्ल हैवानी है। परिणम मा तश्कुरून, बहुत ही कम है जो शुक्र तुम करते हो। वकालू इज़ा ज़लंदा फिल अर्ज़ इन्ना लफी खल्क़िन जदीद, और ये कहते हैं कि जब हम जमीन में गुम हो जाएंगे, रल मिल जाएंगे, मिट्टी होकर मिट्टी में मिल जाएंगे, तहरील हो जाएंगे, और आज का कोई नौजवान कहेगा जबकि उसके तो एटम जो है वो भी मुंतशिर हो गए, उसके इलेक्ट्रॉन भी पता नहीं कहां से कहां गए, अब उसी के जिस्म से खाद बन गई है, वो उसका जिस्म खाद बन गया है, और वो खाद जो है वो प्लांट्स के अंदर आ गई है, और वो प्लांट्स जो है वो बकरी ने खा लिए हैं, और बकरी से कहीं से कहां पहुंच गए, कैसे जमा होंगे उसके अजरा। वकालू अजरा जलना फिल अर्ज, जब हम जमीन के अंदर गुम हो जाएंगे, खोए जाएंगे, अयना लफी खल्क़िन जदीद, क्या फिर हमें एक नई तकलीफ जो है अता हो जाएगी। मलहुम बिलिक़ाए रब्बिहिम काफिरून, हकीकत में ये अपने रब की मुलाकात का इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनके करतूत क्या है। जाहिर बात है जिसके दिल के अंदर अल्लाह के लिए खलूस और मोहब्बत है, और दिल राब दिल रहीस, तो उसे यह भी यकीन होगा मेरा परवरदिगार भी मुझ पर शफकत फरमाएगा, रहम फरमाएगा। आप अगर मुखलिस हैं अल्लाह के साथ तो अल्लाह ताला की तरफ से भी रहमत की उम्मीद होगी, तो फिर तो इंसान मिलना चाहेगा। ये लोग इनकार करना चाहते हैं अल्लाह से मुलाकात का, एतराज ये कर रहे हैं कैसे हो सकता है, कैसे पैदा हो सकते हैं, हालांकि बेवकूफ ये देखें कि अगर तुम्हें वो पहली मरतबा पैदा कर सकता है तो दोबारा पैदा करना कैसे मुश्किल होगा। तो तुम्हें पहले भी पैदा किया, जमीन ही से अज्जा आए हैं, सारे एटम्स वहीं से आए हैं, वहीं से होकर तुम्हारे वजूद जो है वो बना है।
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم, कह दीजिए कि तुम्हें कब्ज कर लेगा वो फरिश्ता जो मौत का फरिश्ता है जो तुम पर मुकर्रर कर दिया गया है. ثم الى ربكم ترجعون, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटा दिए जाओगे. ولو ترى اذ المجرمون ناقصوا رؤوسهم, और काश के तुम देख सको वो मंजर जबकि ये मुजरिम खड़े होंगे सर डाले हुए अपने परवरदिगार के सामने. रब्बना अबसरना व समेना, वो कहेंगे परवरदिगार अब हमने देख लिया, हकीकत हम पर मुनकशिफ हो गई, अब हमने सुन लिया, हर बात जो है हमने पा ली. फर्जेना, तो एक दफा हमें दुनिया में लौटा दे. नामल सालेहन, अब हम एक अमल करेंगे. इन्ना मूकिनून, अब हमें यकीन आ गया. ईमान क्या, ईमान से भी आगे की बात, अब तो पूरा यकीन हमें हासिल हो गया. वलौ शेना लात है ना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा, अगर इसी तरह हमने हिदायत देनी होती पर्दे उठाकर तो दुनिया ही में हम सबको जो है हिदायत दे देते. अब फायदा जो है, अब ईमान लाने का कोई फायदा नहीं है, अब तो जजा का वक्त है ये, अब वो इम्तहान का वक्त खत्म हो चुका. वलौ शेना लात है ना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक्कल कौल मिन्नी, लेकिन मेरी तरफ से तो ये मेरा फैसला जो है ये साबित हो चुका है, पुख्ता है, साबिर हो चुका है. लअमलअन्ना जहन्नम जिन्नत वन्नास अजमईन, कि मैं जहन्नमी तो मैंने बनाई है ना, आखिर उसके लिए भी मुझे ईंधन चाहिए. तो अब तो यह कि तुम लोग उसका ईंधन बनोगे, अब तो मैं जिन्नात और इंसान जो दो भी थे, जो जो बागी थे हमारे, अब उनको इस जहन्नम के अंदर झोंक कर रहेंगे. फजूक वो बीमार लसी तुम लिखा योम कुम हाजा, अब चखो जरा मजा उस चीज का जो तुमने आज के दिन की मुलाकात का इंकार किया या उसे नजरअंदाज किए रखा. इन्ना नसीनाकुम, हमने भी अब तुम्हें नजरअंदाज कर दिया, अब हमसे बात ना करो. रात तकल्लमून, अब हमसे बात ना करो. वज़ूकू अज़ाबल खुल्द बिमा कुंतुम तअमलून, और जो कुछ तुम करते रहे उसकी पादाश में अब हमेशगी वाला अज़ाब चखो. इन्नमा युमिनु बिआयातिनल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा, मेरी ईमान रखने वाले तो हमारी आयात पर वो लोग हैं कि जब उन्हें हमारी आयात के जरिए से तस्कीर की जाती है, नसीहत की जाती है, उन्हें सुनाई जाती है, खरू सुजदन, वो सजदे में गिर पड़ते हैं. वह सब बहू बेहमद रबिम, और वो अपने परवरदिगार के हम के साथ तस्बीह करते हैं. वह हमला यस्तकबिरून, और वो घमंड नहीं करते, तकब्बुर नहीं करते. ये आयतें सजदा है. तजाफा जुनूब उमिन मजाजे, रात के औकात में उनके पहलू बिस्तरों से दूर रहते हैं, अलहदा रहते हैं. रात को यबीतून रबिम सुजदम व क्यामा, एक तो वो शख्स है कि सारी रात पास होता रहता है, और एक वो है कि जो वक्फे वक्फे से उठता है, अल्लाह को याद करता है, कभी खड़ा है कभी सजदा कर रहा है. तो उनके पहलू जो है वो उनके बिस्तरों से अलहदा रहते हैं. यदून रब्बहुम खौफ़ व तमान, अपने रब को बुला पुकारते रहते हैं, दुआ करते रहते हैं अपने रब से, खौफ के साथ भी और तमा के साथ भी. उन्हें उम्मीद भी होती है, लालच भी होता है कि अल्लाह ताला रहम फरमाए, मगफरत फरमाए, लेकिन डर भी रहता है कि कहीं हमारी पकड़ ना हो जाए. वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िकून, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से फिर वो खर्च करते हैं हमारी रज़ाजुई के लिए. फला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िया लहुम मिन क़ुर्रति आयुनिन, तो किसी जान को नहीं मालूम, किसी इंसान को नहीं मालूम क्या कुछ छुपाया गया है उनके लिए, उनकी आंखों की ठंडक के वास्ते. यानी जन्नत में हमने क्या कुछ छुपाया हुआ इनके लिए कोई नहीं जानता. फला तअलमु नफ़्सुम, कोई नहीं जानता. इसी मज़मून को असल में हुज़ूर ने अदा किया है कि मा ला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समयत वमा ख़तर अला क़ल्बि बशर. बाकी जो चीज़ें बयान की गई हैं उनके भी असल हकीकत तो वहां खुलेगी, लेकिन फिर भी ये तो इब्तदाई नुज़ुल है, पहली मेहमान नवाजी इन चीज़ों से है जिनका कि कुरान मजीद में जिक्र है, जिनको कि हम समझ सकते हैं. असल नेमतें जो जन्नत की है वो तो ये फला तअलमु नफ़्सुन, कोई नहीं जानता क्या कुछ छुपाया गया उनके लिए अल्लाह ताला ने, क्या कुछ तैयार करके रखा हुआ है उनकी आंखों की ठंडक का सामान. जज़ाम बिमा कानू यामलून, वो बदला होगा उनके आमाल का. अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिका, तो भला एक शख्स कि जो मोमिन है क्या वो ऐसा हो जाएगा जैसे फासिक हो, क्या इनका अंजाम बराबर होगा. ला यस्तवून, नहीं नहीं वो बराबर नहीं हो सकते. अम्मा लजीन आमनू आमिल सालिहात, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, फलहुम जन्नातुल मावा, उनके लिए तो वो बागात हैं जहां उनको ठिकाना दिया जाएगा. नुज़ुलम बिमा कानू यामलून, और ये होगी उनकी इब्तदाई मेहमान नवाजी. नुज़ुल अरबी में कहते हैं मेहमान जैसे ही आए, नजील उतरा है वो अपनी सवारी से, घोड़े से आया है, ऊंट पर आया है, आपके दरवाजे के सामने आकर वो उतरा है, ऊंट को बिठाया है उससे उतरा है, या आज कार से उतर रहा है. तो अब ये नजील है इस वक्त, इस नजील के लिए नुज़ुल फौरी तौर पर, मौसम के एतबार से ठंडा है या गर्म है आप फौरी तौर पर लाते हैं, ये नुज़ुल है. फिर वो अब आपके पास ठहर गया है, आपने उसके लिए कमरे का बंदोबस्त किया है, वो वहां पर उसने इस्तराहत की है, अब आपने एहतमाम के साथ उसके लिए खाना तैयार करवाया, ये ज़ियाफ़त,
ज़ैफ अब बना है वो, तो जैसे आया है वो नज़ील है, और जब घर में आपके ठहर गया तो अब ज़ैफ है, वो फिर ज़ियाफ़त होगी। तो वो चीजें जो है माला एन रात वला हुज़ूरन समयत वमा खतर अला क़ल्बि बशर, ये असल में ज़ियाफ़त खुदावंदी है, और ये नुज़ुल है जिसका जिक्र कुरान मजीद में इस तफसील से आया है। वामन लदीना फसकूफ मावाह गुंडार, और जो लोग सरकश थे और जिन्होंने नाफरमानी की थी उनका ठिकाना आग है। कुल्लमा अरादू यखरुजू मिन्हा, जब भी वो चाहेंगे कि वहां से निकल भागे, उईदू फीहा, फिर उन्हें उसी में लौटा दिया जाएगा। वकील लहू ज़ूकु अज़ाब अन्नार अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, और उनसे कहा जाएगा चखो मज़ा उस अज़ाब का, आग के अज़ाब का जिसको तुम झुठलाते रहे थे। वलनुज़ीकन्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, यह है आयत नंबर 21 इस सूरह मुबारका की, और आयत नंबर 41 थी सूरह अर्रूम की। ज़हर अल-फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत अयदी अन्नास लियुज़ीकहुम बाज़ अल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, हम लोगों के करतूतों के कुछ आमाल की सजा दुनिया में दे देते हैं, शायद ये जाग जाए, होश में आ जाए और ये लौट आए, पलट आए, तौबा करें। यहां फरमाया हम लाजमन इन्हें चखाएंगे मजा छोटे अजाब का, अदना अजाबुल अदना दूनल अजाबिल अकबर, उस बड़े अजाब से पहले पहले। लाल लहू जल जो शायद के ये जाग जाएं, शायद के होश में आ जाएं, शायद के लौट जाएं, शायद के तौबा करें। ये बात जो है आ चुकी है कि रसूल जब भी भेजे जाते थे तो अल्लाह ताला की तरफ से इस किस्म की तंबीहात का सिलसिला आता था ताकि लोग बेदार। वमन जुक्र भी आया थे रबी सुमारदान था, उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसको नसीहत की गई अब उसके रब की आयात के हवाले से फिर भी उसने एराज किया। यार ये तो नसीहत कोई कर रहा है वो अपना अपना जो फलसफा भगाड़ रहा है, या कोई अपनी अकल लड़ा रहा है, अपनी मंतिक लड़ा रहा है, एक ये कि अल्लाह की आयात के जरिए से तफकीर कर रहा है फिर भी उससे एराज करे। सुम्मा अलादाना इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, ऐसे मुजरिमों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे। वलकद आतैना मूसा अल-किताब फला तकुन फी मिर्यतिन मिन लिकाइही, और हमने मूसा को किताब दी थी, और ये जुमला मुतरदा बीच में आया है कि ए नबी आप बिल्कुल शक में न रहिए उसकी मिलने से या उसकी मुलाकात के। इसका एक तर्जुमा यह किया गया है कि शबे मेराज में हजरत मूसा से भी हुजूर की मुलाकात हुई थी, तो उसकी तरफ इशारा है कि आपकी जो मुलाकात हुई थी वो मूसा ही से हुई थी, इसमें कोई शक न कीजिए। लेकिन ज्यादा जो करीन कयास है जो सियाक व सबाक के साथ मुनासबत रखता है वो ये है, तो ए नबी आप बिल्कुल कोई शक न रखें इस बात में कि जो किताब मूसा को दी गई थी वो वाकई अल्लाह की तरफ से थी, किताब का मिलना अल्लाह की तरफ से था, और इस कुरान का मिलना जो आपको मिली है ये भी अल्लाह की तरफ से है, और हुजूर से खिताब करते हुए भी दर हकीकत यहां पर हुए सकून जो है वो लोगों से है कि तुम कोई शक न करो कि तौरात अल्लाह ने ही दी थी हजरत मूसा को, और कुरान अल्लाह ही ने दिया है मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजअलनाहु हुदल्ल बनी इसराइल, और उसको हमने ठहराया था, बना दिया था हिदायत रहनुमाई बनी इसराइल के लिए। वजअलना मिनहुम अइमतन यहदूना बिअम्रिना मिनम्मा सबरू, और उनमें से फिर हमने ऐसे इमाम उठाए, पेशवा उठाए, रहनुमा उठाए कि जो लोगों को हमारे हुक्म से वो हिदायत करते थे, रहनुमाई करते थे, तौरात की तालीम करते थे, तौरात को समझाते थे, नेकी का हुक्म देते थे, अमर बिलमारूफ नहीं मुकर करते थे, लम्मा सबर। लेकिन ये काम वो कर सकते थे जब खुद सब्र की रविश इख्तियार कर ले। अगर आदमी अपनी तमाम तवानाइयां और कुवतें ज्यादा से ज्यादा ऐश, ज्यादा से ज्यादा दौलत जमा करने पर करेगा तो वक्त कहां से लाएगा इन कामों के लिए। और इस काम के लिए तो जाहिर बात है आपको मदी पर किसी को रोकना है, टोकना है, नहीं निमुनकर करना है, तो कोई सब्र भी करना पड़ेगा, कोई मुसीबत भी आएगी, कोई तकलीफ भी आएगी, कोई आपको सताएगा भी, गालियां देगा, और अगर हुकूमत के खिलाफ आपने कोई बात कही है तो हुकूमत आपको सजा देगी। लिहाजा सब्र के बगैर ये काम नहीं होते। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, अब हर शख्स के हम में से ये ख्वाहिश पैदा होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी, अगर बनी इसराइल में से अल्लाह ताला ने बहुत से लोग ऐसे उठा दिए जिनकी ये तारीफ की जा रही है, जालना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम भी इस उम्मत मुस्लिमा में उसी काम के करने वाले बन जाएं ताकि लोगों को खैर की तरफ बुलाएं, हक की तरफ दावत दें। लेकिन उसके लिए अपने लिए सब्र इख्तियार करना जरूरी है, कम से कम अपना जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखें ताकि ये कि हम अपना वक्त स्पेयर कर सकें, जिसको तबलीगी भाई कहते हैं तफरीगुल औकात, औकात फारिग नहीं करेंगे अपने, सारा वक्त तो लगा हुआ है आप पैसा कमाने में इसलिए कि उसके एक खास किस्म का मेयार जिंदगी बना लिया है और उसको मेंटेन करने के लिए अब जितना कुछ आपको चाहिए अब दिन रात एक करेंगे तो आप अपने उस मेयार जिंदगी को मेंटेन कर सकते हैं। गोया कि अब हम उस मेयार जिंदगी को पूज रहे हैं, हमारे पास अब वक्त ही नहीं है, सलाहियत कहां लगाएं, किस किस वक्त में लगाएं, क्या काम करें।
लेकिन सब्र की रविश होगी और फिर कुरान मजीद के साथ वो ताल्लुक होगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने इंसान में बड़ी सलाहियतें रखी हैं, बड़ी कुव्वतें रखी हैं, मौजूद मलाइक बनाया है, अल्लाह के क्रिएशन का क्लाइमेक्स है ये, तो अल्लाह ताला की यूं समझिए कि तखलीक का नुक्ता उरूज है, तो इसके अंदर सलाहियतें हैं। आदमी इरादा कर ले, हिम्मत करे, फैसला कर ले, तो फिर ये कि अल्लाह ताला जो है उसके लिए रास्ते खोल देता है। वजालना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूकिनून। एक तो ये कि सब्र करें और हमारी आयात के ऊपर पूरा यकीन हो। इन रब्बका हुवा यफ्सलु बैनहुम यौमल क़ियामति फीमा कानू फीही यख्तलिफून। यकीनन आपका रब फैसला करेगा इनके माबैन क़ियामत के दिन उन तमाम चीजों में जिनमें ये इख्तलाफ कर रहे थे। अवलम यहद लहुम कमा अहलकना मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरून यमशूना फी मसाकिनिहिम। क्या इनके लिए ये बात काफी नहीं हुई इनकी रहनुमाई के लिए, इनको सबक दिखाने के लिए कि इनसे पहले हमने कितनी ही बस्तियों को और कितनी ही नस्लों को जो है हलाक किया है कि वो जो फिरते थे अपनी इन मसाकिन में, अपने शहरों में, और एक मफहूमियत है जिनमें अब ये फिर रहे हैं, ये जाते हैं और समूद की बस्तियों के पास से गुजरते हैं। खबर आई है कि कोई बरतानवी सियासत जो है वो मुहक्कीन, उन्होंने वो डेड सी में उसके साहिल के साथ ही और पानी के नीचे वो आसार मौजूद हैं उस शहर के कि जिसकी तरफ हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। तो खबर में ये है कि कुरान और तौरात की जो बात है उसकी तस्दीक हो गई है, लेकिन वो बस्ती जो है, मेरा भी पहले भी मेरा गुमान यही था कि वो जो है असल में समंदर के अंदर आ चुकी है, और शायद इसीलिए डेड सी उसका नाम हो कि पूरे पूरे शहर जो है बड़े हुए वो उसके अंदर धंस गए हैं, और गोया के सब के सब उसी के अंदर जो है उनकी कब्र बन गई है, वो पानी की कब्र के अंदर वो दफन हुए हैं। बहरहाल ये तमाम चीजें जो है, तुम फिरते हो, आते हो, जाते हो, उन्हीं लोगों के मसाकिन के अंदर तुम फिर रहे हो। इन नफीजाल कर आयात नफला यस्माउन। इसमें यकीनन निशानियां हैं, तो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते, सुनते नहीं हो। अबलम यरा नसूकुल मा इल अर्द जुरुस। क्या ये देखते, क्या इन्होंने देखा नहीं कि हम पानी को हांक कर ले जाते हैं एक ऐसी जमीन की तरफ जो चटियल पड़ी है, बेआबो गया है। फलुखरों जो नहीं जरान ताकुल मिनहु अनामहुम अनफुसहुम। फिर हम उसके जरिए से उस पानी में खेती उगा देते हैं कि जिसमें से खाते हैं इनके मवेशी भी और खुद ये भी। अफला युबसिरून, तो क्या ये देखते नहीं है। वह यकूलून मता हाज़ुल फ़त्ह इन कुंतुम सादिकीन। और वो ये कहते हैं कब होगा ये फैसला, अगर तुम सत्य हो तो बताओ है मुसलमानों, ये क़यामत या आज़ाब ये कब आएगा। कुल यौमुल फ़त्ह ला यन्फ़ाउ लज़ीना कफ़रू ईमानहुम। कह दीजिए वो जो फैसले का दिन होगा, फिर उस दिन काफिरों का ईमान लाना उनके लिए हरगिज मुफीद नहीं होगा। ईमान लाना गैब में, अब जबकि वो हकायक जो है वो गैब के पर्दे में छुपे हुए हैं, तब वो मुफीद है। लेकिन जब फैसला हो जाएगा और जब तमाम हकायक जो है वो निगाहों के सामने आ जाएंगे, यौमुल फ़त्ह ला यन्फ़ाउ लज़ीना कफ़रू ईमानहुम वलाहुम युंज़रून, और फिर उन्हें कोई मोहलत नहीं मिलेगी कि अब वो कोई तौबा कर लें या कोई अपनी इस्लाह कर लें। फ़ारिज़ अन्हुम, तो ए नबी आप इनसे एराज़ फरमाइए, इनसे दरगुजर कीजिए, इनकी बातों पर ज्यादा न जाइए। मंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून, आप भी इंतजार कीजिए और ये भी इंतजार कर रहे हैं। अब इसके बाद आ गई है सूरह अहज़ाब। आठ सूरतें मक्की अब खत्म हो गई, सूरतुल फुरकान, सूरतुल शुअरा, सूरतुल नमल, सूरतुल कसस, फिर सूरतुल अनकबूत, सूरतुल रूम, सूरतुल लुकमान और सूरतुल सजदा। अब ये सूरत है वाहिद, और ये नोट कर लीजिए अच्छी तरह, इसका जोड़ा है सूरह नूर के जो हम पढ़ चुके हैं। पहले 14 सूरतों के बाद एक सूरत आई मदनी, सूरह नूर। अब 8 मक्की सूरतों के बाद एक सूरत आई है, ये सूरह अहज़ाब। और इतनी गहरी मुनासबत इनके मज़ामीन में, माशरती अहकाम, ज़माना नुज़ूल के एतबार से ये एक साल पहले नाज़िल हुई है सूरह नूर से। ये सन 5 ज़माना नुज़ूल है, वो सन 6 ज़माना नुज़ूल है। चुनाचे जो माशरती अहकाम आए हैं उनमें भी आपको ये तरतीब मिलेगी कि पर्दे के इब्तदाई अहकाम इस सूरत में आए हैं। और पर्दे के इब्तदाई अहकाम से मुराद क्या है, घर से बाहर निकलते हुए औरत को क्या करना है, मुसलमान औरत को क्या करना है, घर से बाहर का पर्दा क्या है। लेकिन घर के अंदर जो पर्दा है, सतर है उसका जिक्र जो है वो ये सूरह नूर के अंदर था जो हम पढ़ चुके हैं। उसके महरम कौन कौन है, घर में कौन आ सकता है, बाकी सब जो है नामहरम। वो घरों में हमारा जो निजाम बना था कि बैठक बाहर होती थी, जो भी मेहमान आया है कोई आया बाहर ठहरेगा, अंदर नहीं जाएगा। बाहर का एक मर्दाना हिस्सा है मकान का, फिर वो एक देवड़ी होती थी, देवड़ी में से अंदर फिर जनाना है, खवातीन आएंगी तो अंदर जाएंगी, बाकी मर्द जो है वो बाहर ठहरेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ की वो मिक्स जो है वो माशरत नहीं थी, मखलूत माशरत नहीं थी। तो इसमें यह है कि जो नामहरम है वो वहां रहेंगे, बाहर बैठक में बैठेंगे, और जो महरम है वो अंदर जा सकता है। उस जो घर की खातून है, खातून खाना है, उसका भाई है, उसका भतीजा है, उसका भांजा है,
उसके वालिद हैं, उसका चचा है, वह है, ठीक है, वो महरम है, वो घर के अंदर जा सकते हैं। ये सारे अहकाम उसमें दिए गए हैं। सूरह नूर का और सूरह अहजाब का एक फर्क ये है कि सूरह अहजाब में अगरचे जंग के मामले में कुछ तस्करा तो है, लेकिन किसी जंग का वहां पर जिक्र मौजूद नहीं है। खिलाफत कायम करने का मामला है, वो आया है कि खिलाफत अब कायम होगी, लेकिन खिलाफत के क्याम के लिए जो असल टर्निंग पॉइंट था वो जंग अहजाब थी, गज़वा अहजाब, उसका जिक्र जो है वो सूरह अहजाब में है। तो इस तरीके से ये दोनों सूरतें बाहम बहुत ही एक दूसरे से मुशाबे हैं। और जैसा कि मैंने अर्ज किया था, आयत नंबर 35 वहां की अजीम तरीन आयत है, अल्लाह नूर समावात वल्अर्द मसल नूर ही कमिश्कात फिया मिस्बाह अल मिस्बाह फी ज़ुजाजा, ये जो आयत है पूरी वो अजीम तरीन आयत है ईमान की हकीकत पर। और ठीक 35वीं आयत इस सूरत के अंदर है कि जब वो ईमान हकीकी दिल में पैदा हो जाता है तो इंसान की शख्सियत में क्या औसाफ पैदा होते हैं। वो 10 औसाफ मर्दों और औरतों के जिम्मे में दोहरा दोहरा कर आए हैं, वो इस सूरह मुबारक में नंबर 35 आयत हुई है। इसमें एक खास बात नोट कीजिए कि अगर के इसके जो दो रुकू हैं, दूसरा और तीसरा, वो एक है अपने मजमून में और उसके अंदर गज़वा अहज़ाब का तस्करा है। पहला रुकू जो है वो फिर चौथे के साथ जाकर मिलेगा, जैसे कि हमने देखा था सूरह तौबा के अंदर भी कि पहला रुकू फिर चौथे के साथ जाकर मिलता था, उसके मज़ामीन जो है उसके साथ मिलते थे, दरमियान में जो है दो रुकू आ गए थे कि जो एक साल पहले नाजिल हुए, जो कि यानी फतह मक्का से पहले नाजिल हुए, लेकिन उसके बाद वो जो नाजिल हुए हैं सन 9 के अंदर, उसके अंदर जो है वो पहला रुकू की 6 आयात और उसके बाद फिर चौथा और पांचवा रुकू है, बिल्कुल वही आपको तस्वीर यहां मिलेगी। इसलिए कि कुरान का उसलूब यह है कि खास जो मौजू होता है किसी सूरत का उससे मुताल्लिक आयात को पहले निकाल कर रख देते हैं। जैसे सूरह अनफाल में भी हमने देखा, यह सलूर कानिन अनफाल बोले अनफाल लिल्लाह व रसूल, अगर कि वहां फिर बात को छोड़ दिया गया फिर जाकर वह सूरत के वस्त में मजमून आ रहा है। इसमें खास जो मजमून आया है वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादी की हजरत ज़ैनब से रजी अल्लाह ताला अन्हा, हालांकि हजरत ज़ैनब जो है उससे पहले हुजूर ही की फरमाइश पर उनकी शादी की गई थी हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा से। ज़ैद इब्ने हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के गुलाम थे और हुजूर ने उन्हें आजाद करके अपना बेटा बना लिया था, तो मोहब्बत बहुत थी हुजूर को हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा से। लेकिन यह है कि एक तो मुंह बोला बेटे की इनका कुरान में नफी आ गई कि मुंह बोले बेटे की कोई हैसियत नहीं है, इस्लाम में इसकी कोई कानूनी और शरीयत के अंदर उसका कोई मकाम नहीं, बेटा तो वही है कि जो आपके सुल्फ से है। दूसरे यह कि अब मुंह बोले बेटे की बीवी, जब हजरत ज़ैद ने तलाक दी तो आया मुंह बोले बेटे की बीवी से कोई शख्स जो है वो निकाह कर सकता है, क्या वो मुहर्रमात अब्दिया में से है? तो अरब में रिवाज यह था कि चूंकि वो मुंह बोले बेटे को भी समझते थे कि जैसे असली बेटा है, तो जैसे ये कि जो सुलभी बेटा है उसकी बीवी से अगर उसे तलाक दे दी हो या फर्की बेटा फौत हो गया हो, तब भी ये है कि उसकी जो बीवी है बेवा है या मुतल्लका है उससे वो शख्स शादी नहीं कर सकता, शौहर जो फौत हो गया है या जिसने तलाक दी उसका बाप। तो यहां पर इसमें बड़ा तूफान उठा, बल्कि यह कि हुजूर को खुद अंदेशा था। हुजूर ने एक तरह से कह के बहुत कह सुनकर हजरत ज़ैनब को आमादा किया था कि वो शादी कर लें। ज़ैनब जो है रजी अल्लाह ताला अन्हा ऊंचे घराने की बनू हाशिम की खानदान से ताल्लुक रखने वाली और हजरत जो ज़ैद इब्ने हारिसा थे उन पर गुलामी का दाग लग चुका था, तो अरब की एक खास जो है उनके यहाँ एक सोच थी, उनका एक मिजाज था, उनकी रिवायात थी। लेकिन बहरहाल हजरत ज़ैनब ने हुजूर की फरमाइश पर वो निकाह कर लिया, लेकिन यह कि उनमें निबाह नहीं हो सका। हजरत ज़ैनब उन्हें ज़हनन कबूल नहीं कर सकी कि ये मेरे बराबर का है या मेरी इसकी हैसियत जो है वो वाकई ऐसी है, यानी शौहर को जिस तरह आंखों पर बिठाना चाहिए, शौहर से जिस तरीके से उसका अदब होना चाहिए, वो नहीं कर सकी हजरत ज़ैनब। लिहाजा हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा जो है मुतवातिर कहते रहते थे कि हुजूर हमारा मामला ठीक नहीं चल रहा है, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं उसको तलाक दे दूँ। हुजूर रोकते थे कि एक तो मैंने उसको कह सुनकर शादी करवाई, वो तो इसके लिए आमादा भी नहीं थी, ना घर वाले आमादा थे, लेकिन मेरे कहने से शादी कर ली उन्होंने, अब ये तलाक देंगे तो तलाक का दाग लगेगा उनके ऊपर और सदमा होगा, तो हुजूर रोकते रहे। लेकिन शायद ये भी दिल में आपके ख्याल था कि अगर खुदा ने खासतौर पर ज़ैद ने तलाक दे ही दी तो फिर ज़ैनब की दिलजोई इसके बगैर मुमकिन नहीं होगी कि मैं खुद फिर उनसे शादी करूँ, लेकिन मैं कैसे शादी करूँगा जबकि मैंने तो ज़ैद को अपना मुंह बोला बेटा भी कहा था, तो इस हवाले से तो स्कैंडल बन जाएगा और पूरे लोग जो हैं दुश्मन तो मौजूद हैं, मारे आस्तीन मुनाफिकीन भी मौजूद थे, वो इसको एक इशू बना लेंगे मेरे खिलाफ। ये है पसमंजर जो पहले रुकू में आ रहा है। या यूह नबी तकिल्ला, ए नबी अल्लाह का तकवा इख्तियार कीजिए, वला तुते इल काफिरीन वल मुनाफिकीन, और काफिरों और मुनाफिकों की बातें न मानिए,
मैं आपके पास तो इताअत अमर सिर्फ हुक्म देने को नहीं कहते बल्कि मशवरे को भी कहते हैं, और इताअत सिर्फ किसी का हुक्म मानने को नहीं कहते, किसी की बात को वजन देना, तवज्जो से सुनना, ये भी उसमें शामिल है। वला तुतील काफिरून वल मुनाफिकीन, आप इन काफिरों और मुनाफिकीन की बात का ध्यान न करें। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, यकीनन अल्लाह ताला अलीम है और हकीम है। व तबे मा युहा इलैका मिन रब्बिक, और पैरवी कीजिए उसकी की जो आपकी तरफ आपके रब की तरफ से वही की जा रही है। इन्नल्लाह काना बिमा तअमलून खबीरा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे वाकिफ है। व तवक्कल अलल्लाह, और अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए। वकफा बिल्लाह वकीला, और अल्लाह है काफी है आपके तवक्कुल के लिए, आपके लिए सहारा। यानी यह कि आप लोगों की जो प्रोपेगेंडा होगा उसका अंदेशा है आपको, इसका बिल्कुल ध्यान न कीजिए। मा जअलल्लाहु लिरजुलि मिन कल्बैनि फी जौफिही, अल्लाह ताला ने किसी इंसान के दिल में दो दिल नहीं रखे, किसी के सीने में, किसी के पेट में। यहाँ पे जौफ जो है खाली जगह को कहते हैं, तो सीने के अंदर, क्योंकि ये कैविटी कहलाती है, चेस्ट कैविटी, और फिर दूसरी जो है एब्डोमिनल कैविटी है, तो इसमें दो दिल नहीं रखे हैं, मगर दिल एक ही होता है। इसी तरीके से गोया की बात कही जा रही है, कहने को तो हम कह देते हैं कि दिल जो है और हमारे दिल यकजा हो गए हैं, दिल से दिल मिल गया, लेकिन तो दिल ही रहता है, एक ही रहता है इंसान का अपना दिल। लेकिन इसी तरीके से किसी शख्स की दो माएं नहीं होती, माँ तो वही होती है जिसने उसको जना है, और किसी शख्स का बेटा जो है बेटा वही होता है जो उसकी सुलभ से पैदा हुआ हो। बाकी यह कि मुंह बोला बेटा जो वो बेटा नहीं बन जाता। वह माँ जाला अजवाज कुमल्लाई, और नहीं अल्लाह ने बनाया है तुम्हारी उन बीवियों को, अल्लाई तो जाहिरून अमीन होना, तो जिनसे तुम जिहार कर बैठते हो। या जिहार का मजमून सूरह मुजादला में आएगा। अरबों में रिवायत ये था कि बहुत नाराज हो गया बीवी से, कह दिया तुम तो मेरी माँ की तरह हो, गोया कि अब ये हमेशा के लिए हराम हो गए। तलाक के मुगल्लस का भी मुगल्लस दर मुगल्लस तलाक हो गई, अब वो किसी तरह भी उसके लिए उससे कोई ताल्लुक रखना जायज नहीं। तो ये जिहार जो है माँ बना दिया, कह दिया कि माँ बन गई, तो गोया कि माँ बन गई। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ वो माँ नहीं बनती, माँ तो वही है, जैसे कि फरमाया वह माँ जाला अजवाज कुमल्लाई तो जाहिरून अमीन हो उम्महातेम, जिनसे तुम जिहार कर बैठते हो, जिन्हें तुम ये कहते हो कि तुम मेरी माँ के मानिंद या माँ की पीठ के मानिंद हो मेरे लिए, तो वो तुम्हारे वो अल्लाह तुम्हारी माँ नहीं बन जाती। वह माँ जाला अदियाकुम अबनाकुम, न तुम्हारे मुंह बोलो बेटों को अल्लाह ताला ने बेटा बनाया है। ज़ालिकुम कौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये तो तुम्हारी मुंह की बातें हैं, मुंह से तुमने वो जुमला कह दिया, तुम तो मेरी माँ की मानिंद हो या माँ की पीठ के मानिंद हो, और इसी तरीके से कह दिया तुम मेरे बेटे हो, बेटा तो वही होगा। वल्लाहु यकूलुल हक, अल्लाह ताला हक फरमा रहा है, वहुवा यहदी सबील, और वही सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देने वाला है। उदूहुम ले आबाएहिम, लोगों को पुकारा करो उनके बापों के साथ, बापों के नाम के साथ। चुनाते ये हुक्म है, अगर आपने किसी को ले लिया है, कोई अपने भतीजे को भांजे को आपके यहाँ औलाद नहीं है, तो बहुत से मसाइल आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि मैं अपना नाम लिखवा दूं उसके बाप की जगह, ताकि इसको पता ना चले, छोटे से बच्चे को ले आए तो अब वो क्या कहेगा कि ये मेरे असल वालिदैन नहीं है, मेरे वालिदैन तो वो थे, बड़ा होकर मालूम होगा। तो एक जो एक यही समझिए कि साइकोलॉजिकल शॉक जो पहुंचता है, उससे बचाने के लिए बाद लोग सोचते हैं कि हम अपना ही नाम दर्ज करवा दें वहां पर, और उसका नाम वल्दियत उसी के। लेकिन नहीं, ये हराम मुतलक है, कुरान मजीद का साफ हुक्म है। कौल उदूहुम ले आबाएहिम, उनका उनको पुकारो उनके नाम, उनके बापों के नाम के हवाले से। इसीलिए पहले हजरत जैद को लोग कहते थे जैद इब्ने मोहम्मद, इसलिए कि हुजूर ने उन्हें अपना बनाया हुआ था मुतमन्ना, और वो बोला बेटा। ये आयतें जब नाजिल हुई तो फिर अब वो रह गए जैद इब्ने हारिसा, दोबारा वो जैद इब्ने मोहम्मद अब नहीं रहे। उदूहुम ले आबाएहिम, वो अक्सर है जैद इब्ने, यही ज्यादा मबनी बर इंसाफ है अल्लाह के नजदीक। फैलम ताजम आबाहू फैफवाल फिद्दीन, और अगर तुम जानते नहीं उनके उनके बाद कहीं कोई बच्चा जो है छोटा सा बच्चा कहीं मिल गया है, मालूम नहीं, ना उसको होश था, या ऐसा हुआ है पार्टीशन के वक्त बहुत हुआ है, पूरी गाड़ी जो है आ रही थी, सब किस्म जो है वो कत्ल कर दिए गए, कोई बच्चा कहीं पर जिंदा मिल गया है, और ऐसे लोग उनसे मुलाकात भी हुई है एक साहब से लाहौर में, अब उनको किसी ने लेकर पाल लिया है, ठीक है। लेकिन ये कि अगर आप मालूम नहीं कि उनके बाप का नाम क्या है, कोई नहीं जानता, नहीं है अगर तुम उसके बाप का नाम नहीं जानते। तालम आबाहू इखवानुकुम फिर दीन व मवालीकुम, वो तुम्हारे दीनी भाई शुमार होंगे, और वो तुम्हारे रफीक हैं, तुम्हारे मवाली हैं। वलैसा अलैकुम जुनाहुन फीमा अख्तातुम बिही, लेकिन जो कुछ तुमसे अब तक कोई गलती हो गई है या गलती हो जाए तो अल्लाह ताला तुम्हें पकड़ेगा नहीं। वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम, लेकिन जो भी कुछ तुम अपने दिलों से पूरे इरादे के साथ करोगे तो उस पर यकीनन अल्लाह ताला जो है हिसाब लेगा। वकाल अल्लाह गफूर रहीम, और यकीनन अल्लाह गफूर रहीम है, बख्शने वाला और मेहरबान। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम,
यकीनन नबी जो है अहले ईमान के लिए उनकी अपनी जानों से ज्यादा महबूब होना चाहिए, ज्यादा जो है हकदार है कि वो अपनी जानों से ज्यादा हुजूर की जान की फिक्र करें, हुजूर की जान से मोहब्बत रखें। वो अजवाज हूं उम्महात हूं, इसमें यह है कि यहां पर यूं समझिए कि गोया के महजूफ ये है कि वह हुआ अबुल लहू, यानी हुजूर जो है रसूल जो है वो उनके लिए बमंजिले बाप है। इसके लिए एक हदीस भी मौजूद है कि मेरा मकाम तुम सबके वालिद की हैसियत से, जैसे कि फरमाया गया अजवाज हूं उम्महात हूं, अभी आ रहा है कि उसकी जो बीवियां हैं नबी की वो तमाम मुसलमानों की माएँ हैं। इसीलिए हम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, उम्मुल मोमिनीन हजरत सफ़, तो ये तमाम जो है सफिया हैं, तो ये सब की सब जो है उम्मुल मोमिनीन है। तो अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अन्फुसिहिम वह हुआ अबुल लहू, उनके लिए बाप के दर्जे में है। बल्कि ये कि ये बाज़ जो इब्तदाई कारी थे वो तो इसके साथ पढ़ते भी थे इसको। वह अजवाज हूँ उम्महात हूँ, और उसकी बीवियां जो है वो उनकी माओं का दर्जा रखती है। वह उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फी किताबिल्लाह, बाकी ये है कि जो रहमी रिश्ते हैं, जो सगे बहन भाई हैं, रहमी जिनके रिश्ते हैं, वो अल्लाह की किताब में शरीयत में वो एक दूसरे से करीब तर हैं। ये अल्फाज आ चुके हैं सूरह अनफाल की भी आखिरी आयत कि यो अपने भाइयों के साथ जो भी भला सलूक करो करो, अंसारी और महाजिर भाई बन गए थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने घर तकसीम कर दिए या अपनी दुकानें तकसीम कर दी, वो ठीक है। जिंदगी में जो भी तुम चाहो, इल्ला अंतफ़ड़ू इल्ला और याकुम, तुम अपने बंदों के साथ जो खैर भी करना चाहो अपने भाइयों और दोस्तों के साथ करो, लेकिन विरासत में जाहिर बात है मुंह बोले भाई का कोई हिस्सा नहीं, मुंह बोला बेटे का कोई हिस्सा नहीं। और वो जो बना दिए गए थे अंसारी और महाजिर आपस में भाई भाई, वो भाईचारा जो है वो भी विरासत के अंदर नहीं चलेगा। विरासत जो है वो तो जो असल रहमी रिश्ते हैं उन्हीं में है। वउलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फी किताबिल्लाह मिनल मोमिनीन वल मुहाजिरीन, अहले ईमान और अहले और मुहाजिरीन इन सब का मामला यही है। इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मारूफा, हाँ तुम अपने दोस्तों के साथ कोई नेक सलूक करो, भलाई करो, उनको कुछ अपने जिंदगी के अंदर तुम अगर कुछ हिबा करना चाहते हो हिबा कर सकते हो, ये सारे काम हो सकते हैं, लेकिन कानून और शरीयत और विरासत उसमें इनका कोई हिस्सा नहीं। कान ज़ालिक फिल किताब मस्तूरा, ये तमाम चीजें जो है किताब में पहले से लिखी हुई है। इसलिए भी कि ये चीजें जो आ चुकी हैं वो तो ये कि तौरात में भी होंगी, लेकिन सूरह निसा में भी ये बातें आ चुकी हैं, इसी तरीके से सूरह अनफाल में भी आ चुकी है। वह इस अखरना मिन नबीन मीसाक कहूँ, और जरा याद करो जबकि हमने लिया था अम्बिया से एक मीसाक, ये आल इमरान में हम पढ़ चुके हैं 81 और 82 नंबर 81-82 आयात है ये। उसमें हमने मीसाक लिया था मीसाकुन नबीन वमिन का वमिन नूहिन, आपसे भी लिया था और नूह से भी लिया था, व इब्राहिम व मूसा व ईसा इब्न मरियम, और इब्राहिम से और मूसा से और ईसा इब्न मरियम से, व अखज़ना मिन्हुम मीसाकन ग़लीज़ा, और उन सब से हमने बड़ा गाढ़ा कौलो करार दिया था, मीसाक लिया था। ये जिक्र हो चुका है सूरह आले इमरान में। और यहां भी नोट कीजिए, अगर हम ये न माने कि ये अरवाह का मामला एक अलहदा वजूद है और ये पहले पैदा कर दिए गए थे, तो मीसाक कब लिया गया, इन सबको कैसे जमा किया गया? वो तो एक मीसाक अरस जो है तमाम अरवाह से लिया गया, अरस तो रब्बे को, फिर उनमें से जो वो थे जिन्हें नबूवत मिलने वाली थी, रूह मोहम्मदी भी मौजूद थी और रूह इब्राहिम भी थी, रूह ईसा भी थी, ये सारी अरवाह थी, उनसे फिर एक एडिशनल जो मीसाक लिया गया। वो जाहिर बात है कि जब तक कि आप रूहानी वजूद का अलहदा से होना उसको तस्लीम नहीं करते, तो कुरान मजीद के सारे मजामीन जो है फिर कहेंगे इस्तारा है, तो इस्तारा इस्तारा रह जाएगा, फिर कोई हकीकत साबित नहीं रहेगी। लेअसल सादिकीन अनसिद के हिम, ताकि अल्लाह ताला पूछ ले सच्चों से उनके सच के बारे में, और गोया कि आगे महजूफ है वल्काज़िबीन मिन किज़्बिहिम, और जो झूठे हैं उनसे उनके झूठ के बारे में सवाल कर ले, ताकि अल्लाह ताला पूरी तरह पूछ गछ कर ले सच्चों से उनके सच के बारे में। वअअद्दा लिलकाफ़िरीन अज़ाबन अलीमा, और यकीनन उसने काफिरों के लिए एक बहुत दर्दनाक अज़ाब तैयार किया हुआ है। ये पहला रुकू यहां पर खत्म हो गया, ये 8 आयात का है। उसके बाद अब ये मज़मून चलेगा 2 रुकुओं के बाद चलकर, दूसरे तीसरे के बाद 4 रुकू के साथ। अभी ये सिर्फ उसकी तमहीद है कि नबी आप इन काफिरों का, मुनाफिकीन का कोई स्कैंडल बन जाएगा, कोई ये हो जाएगा, कोई वो हो जाएगा, उसको अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए। जो अल्लाह का हुक्म है उसके ऊपर अमल कीजिए, आपके लिए वो निकाह करने में कतन कोई कबाहत नहीं है, और अल्लाह ताला ने तो गोया कि आपको हुक्म दे दिया, इसलिए कि वो आ जाएगा कि हमने तो वो शादी आपकी कर दी है, हमारे हुक्म से यह हजरत ज़ैनब के साथ आपका निकाह जो तय पा चुका है। इसके बाद 2 रुकू जो है इनमें जिक्र हो रहा है ग़ज़वा अहज़ाब का। हमारे पास 4 मिनट है, तो ग़ज़वा अहज़ाब का जो तारीखी पस मंज़र है वो मैं बयान कर देता हूँ, बाकी इससे आगे हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला कल।
यह गजवा हुआ है सन 5 में और इसके लिए जो है बड़ा अहतमाम हुआ है। सबसे पहले तो यह कि बनू नुज़ैर जो निकाल दिए गए थे मदीने से और वो फिर जाकर खैबर वगैरह में आबाद हो गए थे, अब उन्हें मदीने की याद आती थी, उन्हें सताती थी याद मदीने की, वो वापस आना चाहते थे, वो चाहते थे कि मुसलमानों से इंतकाम ले, तो उन्होंने फिर ये है और उसमें खासतौर पर वो अबू आमिर राहिब जिसका तस्करा हम पढ़ चुके हैं सूरह तौबा के अंदर, उन्होंने जो है बड़ी मेहनत करके एक तरफ कुरैश को आमादा किया कि वो हमला करें, दूसरी तरफ ये है कि जो नजद के कबाइल थे गतफान वगैरह उनको आमादा किया। तो ये एक गोया समझिए कि मुत्तहिदा महाज बनकर एक ग्रैंड आर्मी जो है वो आई 12,000 की फौज, जो अरब में यूं समझिए कि ये कोई अनहोनी सी बात थी कि कोई इतनी भी कुव्वत, वो शिमाल से भी आए, जनूब से भी आए और मगरिब से भी आए, मस्जिद से भी आए, उसका नक्शा बाद में जब हम पढ़ेंगे तो खुल जाएगा। अब उन्होंने आकर घेर लिया मदीने को, मुहासरा करके पड़ गए। इतनी बड़ी फौज हुजूर के पास कुल उस वक्त जो तादाद बनती थी 3,000 की थी मदीने के अंदर, जिनमें के मुनाफिकीन भी थे, और दूसरा यह कि अकब में वो बनू कुरैज़ा भी मौजूद थे, एक कबीला बड़े ताकतवर कबीला था, बड़ा कबीला था, उनकी गढ़िये थी, उनके किले थे, वो मौजूद थे। अब पीछे वो मौजूद है, अंदेशा है कि कहीं वो गद्दारी करें, जिससे जैसे कि इससे पहले बनू कहनका ने की या बनू नुज़ैर ने की, इस वक्त वो गद्दारी करेंगे, और उसकी खबरें भी मिल गई थी कि सिलसिला जिनबानी हो चुका है और बाहर से वो लश्कर आ गया है। दो तरफ मदीने के हर्रात हैं, चट्टाने हैं लावे की, सियाह पत्थर हैं और चिकने हैं, उनके ऊपर न ऊंट चल सकता है और न घोड़ा दौड़ सकता है। तो वो जो हर्रात हैं मदीने के दो तरफ, वो तो गोया कि एक अल्लाह ताला की तरफ से एक नेचुरल प्रोटेक्शन जो है मदीने को मिली हुई है। अब दो तरफ जो रह गए तो उसमें पीछे थे ये अकब में जो है ये बनू कुरैज़ा की गढ़ियां थी, और सामने का इलाका था कि जहां से लश्कर आकर जो है उन्होंने जो हमला करना था। तो फिर हजरत सलमान फारसी के मशवरे पर जब ये मशवरा किया हुजूर ने कि अब इस तरह क्या किया जाए, इतना बड़ी फौज आ गई है, तो उन्होंने फिर बताया कि हमारे यहां ये ईरान में ये रिवाज है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो खुले मैदान में जाकर लड़ने की बजाय हम खंदक खोद लेते हैं, ताकि उस खंदक के अंदर से होकर फिर यह है कि जो भी छलांग मार के आएगा खंदक में से उसको उबूर करके आएगा तो उनके साथ मुकाबला करना आसान है। एक एक करके आएंगे, 10-10 आएंगे, एकदम पूरा लश्कर जो है दौड़कर जो है कैवलरी उनकी जो है घोड़े दौड़ा कर तो नहीं आ सकते। तो इस हवाले से फिर खंदक खोदी गई, बहुत ही यानी रसद कम था, फाकों का फाके लोगों को हो रहे थे, दो दो तीन तीन दिन के खाने को कुछ नहीं मिला, सर्दी शदीद थी। उस मौसम में फिर तय हुआ कि खंदक खोदो, तो मुसलमान खंदक भी खोद रहे थे, और उसी दौरान ये खबर भी मिल गई कि बनू कुरैज़ा भी बगावत पर और बदहदी पर आमादा है। यानी हर एतबार से यूं समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने अहले ईमान के सब्र और इम्तिहान के लिए एक बहुत ही सख्त खौफनाक सूरत पैदा कर दी। अगरचे उसके बाद हुआ क्या, उसमें यह है कि एक हजरत नईम थे अबू मसूद अल अशजई, नईम बिन इब्न मसूद अशजई, उन्होंने एक बड़ी तदबीर की, हुजूर से आकर इजाजत भी दी, अशजई कबीले के थे, वो बाहर के थे मदीने के नहीं थे, कि हुजूर अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इनके माबेन कुछ आपस में बद एतमादी पैदा कर दूं। बनू कुरैज़ा के पास गए कि देखो तुम यहां रहते हो, ये तो बाहर से आए हैं, फर्क करें चलिए आप ये समझते हैं कि वो जीत जाएंगे और मोहम्मद और उनके साथियों को तुम खत्म कर लोगे, लेकिन ये भी सोचो कि अगर बरक्स हो गया 10%, 20%, 30% कोई इम्कान है कि नहीं, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें तो यहां रहना है, फिर मोहम्मद के साथ फिर तुम्हारा मामला होगा और हो सकता है कि वो छोड़कर चले जाए फिर, तो तुम ऐसे करो कि उनसे मांगो कि कुछ वो लोग हॉस्टेजेस तुम्हें दें अपने, ताकि उनको यकीन ये रहे, तुम्हें यकीन रहे कि वो अपने वादे से फिरेंगे नहीं, जो भी वादा उन्होंने किया है तुम्हारे साथ मदद करने का, और तुम्हारा जो अंदर से तुम मुसलमानों पर हमला करोगे तो जो कुछ भी उनके वादे वो पूरे करेंगे। उन्होंने कहा बात तो ठीक है, ये नईम जो कह रहा है ये बात सही है। तो उन्होंने वो मुतालबा किया उनसे कुरैश से, वो जो लश्कर बाहर पड़े हुए थे 12,000 के, कि आप अपने कुछ आदमी हमारे पास भेजिए ताकि हमें एतमाद रहे, हमारे पास वो रहेंगे हॉस्टेजेस की हैसियत से, कि हमें यकीन रहे कि आप अपनी बात पूरी करेंगे। उधर से जाके उनसे कहा कि वो तुम उनके ऊपर कैसे एतमाद कर रहे हो, वो तो तुम्हारे ऊपर एतमाद ही नहीं करते, तुमसे आदमी मांग रहे हैं। और इस तरीके से उनके माबेन जो है वो एक फ्रिक्शन पैदा कर दी, बेतबद इतमादी पैदा कर दी। एक तो ये तदबीर हुई, दूसरे ये कि सब सारे इम्तहान पूरा हो गया और दूध का दूध पानी का पानी जुदा हो गया, अहले ईमान भी साबित हो गए, साबित कदम ये लोग हैं, और मुनाफिकीन का भी जो खुब से बातिन था उनकी जबानों पर आ गया और मालूम हो गया कि इनके दिलों के अंदर निफाक है। फिर अल्लाह ताला ने तेज आंधी भेजी, वो आंधी ऐसी आई, झक्कर ऐसा आया
कि वो लश्कर जो था उसके खेमे उड़ गए, जहां देरें चढ़ी हुई थी चूल्हों के ऊपर आग लग गई और उससे एक अफरा तफरी पैदा हुई, इसके नतीजे में वो लश्कर उन्होंने वहां से कैंप उठाया और चले गए। बाकायदा कोई बड़ी लड़ाई की कोई शक्ल पैदा ही नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ने बस इम्तिहान जो है एक शरीर मुसलमानों का ले लिया। अब इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला कल हम इसका मुताला करेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम।